नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी का किस्मत शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में जो भी घटनाएँ होने वाली हैं, जो भी बदलाव होने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे आप सभी के जीवन के लिए। जी दोस्तों, यकीन मानिए कि यश में ये बदलाव, ये घटनाएं आपको चौंका देंगी और आप इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर अपने कानों आंखों पर यकीन भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्यों दोस्तों यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं जो कि दोस्तों कल आपको काम आने वाली है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप लाभ के बड़े पैमाने तक जाएंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जहाँ घरों की इतनी बड़ी शुभ स्थिति है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। इसमें से दोस्तों आपकी एक सावधानी आपके कार्यों को चौतरफा की ओर ले जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी तरफ से कोई भी भूल ना करें और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम सावधानियाँ भी बताएंगे और कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जय दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भोलेनाथ के शिव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें, भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में याद रखने चाहिए। कि दोस्तों यही बातें हैं जो कि आप सभी के जीवन काल में आपके कई प्रकार के संकट समस्याओं का, कई प्रकार की मुसीबतों का समाधान बन जाता है। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने। जी दोस्तों, कि दोस्तों जब भी आप सुबह उठो तब दोस्तों एक ही ईश्वर से नारा लगाना कि हे प्रभु, यह प्रार्थना है मेरी आपसे कि रात सुख की बीत गई है, अब सवेरा हो चुका है, दिन निकल चुका है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से और मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अगर इन बातों का गुणगान ईश्वर से सुबह उठकर ही करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवनकाल में आप कई प्रकार की गलतियां करने से बचेंगे और आपके जीवनकाल में एक बहुत ही अच्छे बदलाव होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि कल से आप सभी के जीवनकाल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, यशों में कुछ दिक्कतें आने के बावजूद भी आपका सकारात्मक दृष्टिकोण व फिर संतुलित व्यवहार बना रहेगा तथा दोस्तों अपने कार्यों को संपन्न करने में भी आप यशमय सक्षम रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल इसमें टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपका ध्यान जो है कुछ गलत कार्यों के प्रति प्रेरित हो सकता है, अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों यशमय भाइयों के साथ चल रहे किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप कई प्रकार की गतिविधियों में यश में व्यस्त रहेंगे। साथ ही दोस्तों सामाजिक दायरा भी यश में आपका बढ़ेगा, लोगों के साथ प्रवाह न करके आप स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपको यश में नई उपलब्धियां भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों यश में इन पर जरूर ध्यान दें। रुकी हुई पेमेंट भी कलेक्ट करने के लिए जो समय होंगे, जो दिन होंगे आपके लिए अति उत्तम दिन होंगे। साथ ही दोस्तों यश में ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है, इसलिए दोस्तों मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से भी यश में दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए जरूरी होंगे। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों की राय भी यश में आप अवश्य लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन में आपको किस दिशा में प्रगति चाहिए इससे संबंधित विचार आपके लिए जो है क्लियर हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें यश में किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यह पूरी तरह से आपको जान पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि काम करते करते ही आपको आगे का मार्ग भी प्राप्त होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ की सहायता करना आपका विशेष स्वभाव होता है और यशमी आप किसी की सहायता भी करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान भी यशमी बढ़ेगा। अगर किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों वह अवश्य सफल होंगी। संतान की किसी उपलब्धि से मन में भी सुकून और खुशी भी रहेगी और उसके उपरांत दोस्तों यश में जमीन जायदाद अर्थात वाहन संबंधी कोई भी मसला चल रहा है, किसी प्रकार की समस्या इनमें उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका लग रही है, इसलिए दोस्तों यश में किसी पर ज़्यादा विश्वास न करें, कुछ आकस्मिक खर्चे भी सामने आएंगे तो दोस्तों इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों यश में जो बातें अब तक रुक रुक कर हो रही थी दोस्तों वह बातें आपके लिए आसान होंगी। प्रॉपर्टी संबंधी आपका निर्णय आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको काम करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, परिणामों के बारे में अधिक विचार न करते हुए आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपका बड़ा परिणाम आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि युवाओं की कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत भी प्राप्त होगी और इसमें आप राहत की सांस ले सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कोई भी फैसला लेने में आपका हिम्मत इसमें बहुत अच्छा रहेगा। यह समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्य उदय संबंधी कोई भी द्वार खोल सकती है, इसलिए दोस्तों इसमें आप गदगदी तरीके से अपने कार्यों को करने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपको बता दें कि अपनी वाहनी में कटुता न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इसकी वजह से आप जो है आपको अपयश जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए दोस्तों इससे आप सावधान हैं। पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में खटास न आने दें। घर में अचानक मेहमानों के आने से कोई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जो भी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई थी यश में वह इच्छा भी पूरी होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों की वजह से आपको तकलीफ हुई थी पिछले समय में उनके साथ ही कुछ दूरियां बनाकर रखना यश में आपके लिए ठीक रह सकता है। भले ही दोस्तों आपका कोई भी साथी हो या फिर आपके रिश्तेदार हो, इनसे आप दूरी बना लें। दोस्तों यदि रिलेशनशिप की वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए रिलेशनशिप को छोड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय व्यावसायिक गतिविधियाँ सुदृढ़ रहेंगी। दोस्तों विस्तार संबंधी कोई योजना भी हाथ में आ सकती है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर जो हावी न होने दें, अपने व्यवसाय पर हावी न होने दें। दोस्तों इस समय प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी बड़ा डील हो सकती है, इनकी संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगी, आपके करियर के लिए जो समय होंगी, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां भी प्रदान करेंगी। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि राजकीय मामलों को लेकर सचेत रहें, बॉस व फिर किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। व्यर्थ के बाद व्यर्थ से आपको इसमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये आपके लिए आपके व्यवसाय के लिए उचित होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें जो है व्यवसाय में अगर स्थान परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों समय अनुकूल है, किसी रुके हुए कार्य को बनने की समय भी आ गई है। दोस्तों जिससे आर्थिक समस्या भी हल होगी, नौकरी पेशा व्यक्तियों के पदोन्नति के अवसर भी बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों को जो है पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों बॉस की नज़र इसमें आपके ऊपर रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों अभी कार्य क्षेत्र में कोई भी उचित बदलाव आने की संभावना नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें वर्तमान में जैसा चल रहा है उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इसमें पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई मेल मुलाकात जो है परिवारजनों को खुशी प्रदान करेगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल भी रहेगा। किसी के विवाह संबंधी बातचीत भी बन सकती है या फिर विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी इसमें आ सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंध इसमें मधुर रहेंगे। घर में भी सुव्यवस्थित तथा अनुशासित वातावरण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ समय से आप अपनी व्यवस्था के कारण अपने वैवाहिक जीवन का
जीवन को जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति श्रद्धा व फिर प्यार इसमें बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों नकारात्मक विचार हावी न होने दें, इनसे आपका कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी और शारीरिक ऊर्जा में भी आपको कमी आएंगी। इसलिए दोस्तों इनसे सावधान रहें और मेडिटेशन व फिर योगा पर आपको कुछ समय इसमें अवश्य देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय कब्ज व फिर गैस की समस्या होने से पेट में भी दर्द आदि की समस्या रहेगी। देसी चीज़ों का अधिक से सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि अंत में स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। डायबिटीज लोग लापरवाही ना बरतें, मेडिटेशन व फिर व्यायाम में अपना ध्यान लगाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगी। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें।